अरे यार, ये तो चालू था, ये तो बंद हो गया फिर से। अब लगता है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार सेट डेड हो जा रही है, या फिर सेट रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ रही है, और आपके पास काम आता है अच्छा खासा, अगर आपके पास अच्छा खासा काम आता है रिपेयरिंग का, और कस्टमर को वापस भेज रहे हैं, या फिर वो फोन रिपेयर नहीं हो पा रहा, या फिर सेट डेड हो पा रहा है, तो आपको इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बजट नहीं है, तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, अगर आप इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, आपका बजट नहीं है और आपने इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके से कर लिया, तो आप शॉप कैसे खोलेंगे, शॉप पर जो टूल है वो कैसे परचेज करेंगे? तो भाई, आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत सारे टूल आप खरीदने पड़ते हैं। पहले टाइम था 8-10 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये में शॉप भी खुल जाती थी, और जितना हार्ड काम भी नहीं आता। अब माइक्रो लेवल का काम है जो कि रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अगर आप मार्केट में बैठे हैं, अच्छे खासे फोन आते हैं रिपेयर होने के लिए, और बार बार वो लौटते जा रहे हैं, आपके कस्टमर टूट रहे हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन होना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको बताना चाहूंगा, एशिया टेलीकॉम से वीडियो है, और वहाँ पर लाइव आपको सीपीयू लेवल का काम दिखाया गया है, और वन टाइम में सीपीयू रिवॉल्व करके चालू फोन में से लगाया गया है। तो और एसी टेलीकॉम इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी बंदा आता है, फ्रेशर हो या फिर नॉन फ्रेशर हो, अगर वो 4 दिन की क्लास में सीपीयू चालू सेट में से सीपीयू निकाल के नहीं लगा पाता है, तो उसकी जो फीस है वो सारी रिटर्न कर दी जाएगी। तो अब आगे की वीडियो आप देखिएगा, इंस्टीट्यूट के सारे जो स्टूडेंट हैं उन पर लाइव 4 दिन की क्लास में लाइव चालू फोन में से सीपीयू निकाल के लगाया गया और इंटरव्यू लिया गया है। तो वीडियो देख लीजिएगा, बाकी का आपकी समझ में कहीं पे भी जा सकते हैं, मैं कहीं पे भी सजेशन दे दूंगा। आपको सारे यूट्यूब पर चैनल मिल जाएंगे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, तो उनकी सारी वीडियो देखिए, किस तरीके की पढ़ाते हैं, किस तरह से सिखाते हैं। तो अब आगे का वीडियो आप देख लीजिएगा, आप सर्टिफाई हो तो आप जाइए एशिया टेलीकॉम या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट, और कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में चल रहा होगा, वहाँ से आप बात भी कर सकते हैं। थैंक यू। सब लाएंगे? यस सर। ऐसा कोई बंदा जिसने एक बार, दो बार, तीन बार सीपीयू नहीं लगाया है कोई? नहीं सर। सबने लगाया? यस सर। पेट भर के? यस सर। गले गले तक? यस सर। सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो ये बताइए कि ट्रिक कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी सर। एक्सीलेंट ट्रिक। यस सर। तो देव सर ने आपको यहाँ पर टीम बना के भेजा है, तो कोई गलत चुनाव किया है क्या? नहीं सर। क्लियर है सबका? यस सर। एक एक का क्लियर है? यस सर। अगर कोई सा भी सीपीयू आपके पास आता है तो आप निकाल के लगा सकते कि नहीं? यस सर। सबने डन किया ना? यस सर। कंफर्म कर दो एक बार, हाथ खड़े करके। यस सर। हाथ खड़े करके कंफर्म कर दो भाई। यस यस सर। और एक बार देव सर के लिए ताली बजा दो, और एक बार देव सर के टीम के लिए ताली। तुम्हारे सबके लिए आपको 1 महीना कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, पूरा एब्सोल्युटली फ्री है। आज से 30 दिन, आप 30 दिन पूरी यूज करो आप एशिया टेलीकॉम के। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग देव सर के लिए थैंक्स बोलो, और हाथ खड़े करके बोलो, खड़े होकर हमेशा उसके। अगर आपको अगर कुछ भी चीज किसी से जीवन में मिलती है, नॉलेज मिलता है या कोई गिफ्ट मिलता है, तो आपको ऑलवेज थैंक्सफुल होना चाहिए। यस सर। ऑलवेज थैंक्सफुल होना चाहिए। यस सर। है ना, अगर बहुत सारे यहाँ पर अगर कोई सोच रहा है कि सर ये तो छोटी सी चीज है, 3 या 4 हज़ार रुपए की, सर ये बहुमूल्य चीज है, मतलब जो आपको रॉयल्टी वाली चीज है, जो पैसे की चीज है, वो आपको काहे में मिल रही है? फ्री में। फ्री में मिल रही है। पैसा देके आप परचेस कर सकते हो, पर बाकी आपका सम्मान है, आप एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट हो, आपका सम्मान है कि वही चीज आपको जो पैसे से मिलती है वो आपको फ्री में मिल रही है। फ्री में मिल रही है ना। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो
अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राजू है, मैं महाराष्ट्र से। तो आज आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, वीकनेस है, इसलिए हम ज़्यादा सवाल आपसे नहीं करेंगे। तो आज हमारी चौथे दिन की क्लास है, क्या कराया जा रहा है आज? CPU रिबॉल कराया जा रहा है। CPU, एक लाइव CPU मोबाइल कल हमने पावर किया था, आज एक लाइव CPU से चालू फोन से CPU निकाल करके माउंट रिमाउंट की हमारी क्लास थी। लाइव CPU पे काम करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जो हमने बोले थे 3 से 4 दिन में आपसे लाइव पावर और CPU लगवा देंगे, क्या वो सही हुआ? यस सर। आपने लगाया, पूरी क्लास ने लगाई? सब ने लगाया। कैसा लग रहा है? इससे पहले आप CPU पे काम करते थे? नहीं सर, बिल्कुल। कहाँ सीखा आपने? ये इसे टेलीकॉम। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया। पैसा वसूल हो गया अभी? यस सर, हो गया। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी कुछ भी समझ में ना आ रहा? नहीं नहीं सर, पढ़ाने का तरीका यहाँ का बहुत बढ़िया है। चलिए बताइए, आज हमारी कितनी दिन की क्लास हो गई? आज तीसरी, चौथे दिन। आज चौथे दिन की क्लास है। तो पहले दिन में रिबॉलिंग, फिर कॉम्प्लेंट की क्लास, फिर दूसरे दिन में रिबॉलिंग, कॉम्प्लेंट की क्लास, तीसरे दिन में आपने पावर पे काम किया था? यस सर। पावर पे काम किया था? यस सर, काम किया। चलिए, आज आपकी कौन सी चौथे दिन की क्लास में क्या कराया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट? आज CPU माउंट रिमाउंट प्लस MMC। चालू फोन पे CPU को निकालना है, लगाना है, कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, हमने आपको सुबह मॉर्निंग में दिखाया था। मैं भी डरते हैं, अरे पावर निकाल दो, लगेगा नहीं लगेगा। तो लाइव फोन में CPU निकाल करके लगाया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? बेहतर। अगर कोई नागपुर से आना चाहता है तो क्या रेफर करना चाहेंगे? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आ सकता है। आपके पैसे वसूल हुए 4 दिन में कि नहीं हुए? बिल्कुल वसूल हुए। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम जीवन है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं फ्रेशर हूँ सर। कभी बिल्कुल फ्रेशर है आप? जी सर। मोबाइल शॉप है आपकी? नहीं सर, मोबाइल शॉप भी नहीं है अभी आपकी। तो आगे चल के क्या मोबाइल शॉप डालना है या फिर कहीं पे काम करना है? सर शॉप डालनी है। सर शॉप डालना है, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल कैसा लग रहा है कि हम आगे चल के सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं? जी सर, हो रहा है। तो बिल्कुल एज अ फ्रेशर जो पहले से भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं रहा कि आपसे बोले कि चलो ठीक है आपसे बाद में कराएंगे, आप नहीं कर पाओगे अभी फ्रेशर हो, ऐसा कुछ? नहीं सर। आपसे कराए? हाँ सर। आपने खुद से किया कि किसी ने हेल्प किया आपकी? नहीं सर, सर बताए हमको ट्रिक। वो तो आपको एक बार करके बताए कैसे निकालना है, कितना टेम्परेचर, कितना हीट, कितना एयर। तो और जो सर का क्लास कैसा रहा आपका कॉम्प्लेंट का? बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो क्या नाम है आपका? सिद्धांत। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं। तो आज आपका कितने दिन का क्लास हुआ? 4 दिन का। 4 दिन का। रेडमी का 6A फोन है, और इसमें क्या करने वाले हैं अभी आप? अभी CPU निकाल के डालूंगा। CPU निकाल के लगाने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोन बिल्कुल चालू है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, फोन चालू है और एकदम टच काम कर रहा है। तो चलिए ठीक है, आप निकालिए इसका CPU। ठीक है सर। Thank you.
हो गया चालू? कितने टाइम लगे आपको करने में? आधा घंटा लगा। आधे घंटे लग गए? आप कितने दिन से मोबाइल के फील्ड में हैं? दो साल। दो साल से कभी आपने ऐसी भी काम किया नहीं था? नहीं सर। जियो फोन का 4G CPU निकाल के लगाया? चालू हुआ? चालू हुआ। वो कितने टाइम में हुआ था? ओ सर 20 मिनट में। 20-25 मिनट में। अभी इसमें आधा घंटा लग गया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना था, सेफ वे में करना था, ठीक है? तो अभी आपने CPU लगा दिया, कैसा लगा आपको? सही लगा। कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ कि नहीं हुआ अभी? ये सर हुआ है। इसके जगह पे कोई सा भी दे दें CPU, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे सर। CPU बगल में कोई सा भी ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो? नॉलेज है सर, सब बना। क्या बोलेंगे देव सर के लिए? थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू बोलेंगे तो थोड़ा कैमरे में एक बार दिखा दीजिए। चालू चालू हुआ कि नहीं दिखाइए, अच्छे तरीके से दिखाइए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ़ोन इनका चालू हो गया, हमारे लोगो आ गया, वेट करेंगे पूरा चालू होने का क्योंकि फ़ोन इनका पूरा चालू था। यहाँ पे सेकंड लोगो आ चुका है। इसमें लॉक लगा हुआ था तो देखिए यहाँ पे लॉक लगा था, अभी भी लॉक लगा है। वही फ़ोन है ना? ये सर। तो कैसा लगा आपको? बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा लगा ये सर। अगर आपको देख के कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता हो तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए जो आपको देख के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं? सर कोई आएगा तो उसको मालूम पड़ेगा कैसा कैसा होता है वो सर। आ सकता है आपके भरोसे? ये सर आ सकता। गारंटी है काम सीख के जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर, काम जाएगा। ये सर चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है शिवम चौधरी। शिवम जी कहाँ से हैं आप? सर मैं इटारसी से हूँ। आज आपका चौथा दिन है और आज आपने चालू फ़ोन से CPU निकालने और लगाने का कॉन्सेप्ट था। जी सर। तो आपने 4G जियो के 4G फ़ोन में आपने CPU निकाला और लगाया भी? जी सर। और पावर निकाला था आप तीसरे दिन में आपने? जी सर। 4G फ़ोन का? जी सर। तो और इसमें भी निकाला था आपने, ये भी 4G है? जी सर। तो अभी आप इसमें क्या करने वाले हैं? सर इसमें CPU निकाल के फिर से लगाने वाला हूँ। इसमें आप CPU निकालेंगे और दोबारा से लगाएंगे? जी सर। फ़ोन को चालू है, फ़ोन आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि फ़ोन बिल्कुल चालू है और ये दोबारा से फ़ोन का CPU निकाल के दोबारा से फ़ोन चालू करेंगे। जी चलिए ठीक है, स्टार्ट करिए अपना प्रोसेस।
फ़ोन इन्होंने चालू कर दिया है, सीपीयू निकाल के दोबारा से इन्होंने सीपीयू को लगाया है। कैसा लग रहा है अभी आप? सब बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल सर। लोग कहते हैं जियो है, जियो है, जियो के सीपीयू में और इसके सीपीयू में आसान कौन सा है सर? कोई सब वो तो हमारे लिए सब आसान है। सब आसान कोई है। सा भी बोर्ड दे दीजिए, हमको कंपनी से मतलब नहीं, हम आईसीओ से काम करते हैं। आईसीओ से काम करते हैं। अब उसको तो आपने यूनिवर्सल में किया था, लेकिन इसमें आपने पर्टिकुलर सेम स्टेंसिल में किया जी, तो कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चालू हो गया फोन? जी सर। यहाँ देख पा रहे होंगे फोन बिल्कुल चालू हो गया है। सप्लाई में? यस सर।
ऐसा कोई बंदा जिसने एक बार दो बार तीन बार सीपीयू नहीं लगाया है कोई? नहीं सर। सबने लगाया? यस सर। पेट भर के? यस सर। गले गले तक? यस सर। सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो ये बताइए कि ट्रिक कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा सर। एक्सलेंट ट्रिक। यस सर। जो देव सर ने आपको यहाँ पर टीम बना के भेजा है, तो कोई गलत चुनाव किया है क्या? नहीं सर। क्लियर है सबका? यस सर। एक एक का क्लियर है? यस सर। अगर कोई सा भी सीपीयू आपके पास आता है तो आप निकाल के लगा सकते कि नहीं? यस सर। सबने डन किया है ना? यस सर। कंफर्म कर दो एक बार हाथ खड़े करके। यस सर। हाथ खड़े करके कंफर्म कर दो भाई। यस सर। और एक बार देव सर के लिए ताली बजा दो, और एक बार देव सर के टीम के लिए ताली। यस सर। और एक बार तुम्हारे सबके लिए। मोबाइल की सीपीयू उठा के और बिठा दिया और मोबाइल को चालू कर दिया। चालू फोन से आपने सीपीयू निकाला और दोबारा से लगाया? दोबारा से लगाया। कौन से स्टेंसिल से लगाया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल। यूनिवर्सल से? तो यूनिवर्सल से आप सीपीयू रिवॉल्व करते बनती है आपसे? यस सर बनती। पहले से करते थे या फिर? नहीं सर, पहले तो नहीं करते थे। आपसे ट्रिक बताई सर ने तो आसानी जा रही है। तो तीन दिन के अंदर पॉसिबल है कि मतलब कोई भी 4G फोन का सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके दोबारा से फोन भी चालू कर दें आप? बिल्कुल सर पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है? या एसे टेलीकॉम में ही पॉसिबल है। जो यहाँ पे ट्रिक्स बताई गई हैं आपको, ऐसा लगा कहीं से कि बहुत ज्यादा हार्ड हो? नहीं नहीं, आपसे ना बने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा लगा है। पैसा वसूल जैसा कि बोलते हैं कि नहीं आपका हो रहा है? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम। कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से हैं? मतलब चार्जिंग पिन डिस्प्ले लगाते थे? हाँ, वही चार्जिंग और पिन डिस्प्ले। अभी आज चौथा दिन है, चौथे दिन में आपने क्या किया? चौथे दिन में सीपीयू निकाल के फिर डाल के सेट ऑन किया, चालू किया आपने? जी सर। चार दिन के अंदर आपने यूनिवर्सल से किया या फिर पर्टिकुलर सेम स्टेंसिल से? यूनिवर्सल से इससे किया आपने। तो यहाँ पे आप गाइस देख पा रहे होंगे इन्होंने यूनिवर्सल स्टेंसिल से सीपीयू को निकाल के रिवॉल्व किया है। और ऐसा के लिए काम ज्वाइन करना चाहता हो तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बेशक आए वो जो खाली ग्लास आए और भर के ले जाए, यही है यहाँ यहाँ का जो यहाँ का मेन पॉइंट है वही, खाली ग्लास कह रहे खाली ग्लास आओ और भर के लेकर जाओ। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय जी कहाँ से हैं आप? सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर। यूपी दिन में क्या किया? सीपीयू निकाल के लगा दिए सर। पर कल आपने पावर निकाल के लगाया था? जी सर। हैं? जी सर। और आज आपका चौथा दिन है? जी सर। ये तालियां किसके लिए बज रही हैं? सबको लिए जो चालू किया बोर्ड उसी के लिए है, उसके लिए बज रहा है जिसने गलती करके अपने गलती को सुधारा है। जी सर। ठीक है, तो ओवरऑल में अगर बात करूँ आपसे तो इतने दूर आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए, बहुत भरोसे पे बहुत ट्रस्ट लेके आ पाए, तो जिस ट्रस्ट पे आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए वो चीज़ आपको मिला कि नहीं? मिल गया सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा जी सर। पैसा वसूल हो गया सर। अब उड़ीसा से आने में आपको कितना टाइम लगा सर? दो दिन लगता है। दो दिन लगता है? और कितने दिन से आप सोच रहे थे कि एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना है? दो महीना से सोच रहा था। दो मंथ से आप सोच रहे थे लेकिन ज्वाइन आप अब किए हैं, तो एक बात बताइए कि ये दो महीने के अंदर आपने क्यों नहीं ज्वाइनिंग किया? डर था आपके मन में? डाउट था? डाउट आपका कैसे क्लियर हुआ सर? वो तो हो गया। कैसे क्लियर हुआ? तीन दिन से हो गया था। तीसरे दिन आप पहले दिन जब आप आए होंगे आपको लगा होगा कि क्या मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन चौथे दिन की अगर मैं बात करूँ आपसे तो चौथे दिन में आपको कैसा लगा? बढ़िया सर, सारा डाउट क्लियर हो गया नहीं होगा? देखिए कोई भी फीस देता है, कोई भी अपना काम सीखने के लिए अपना घर छोड़ के आता है, दुकान छोड़ के आता है, तो डाउट तो होता ही होता है, कॉमन सी बात है। तो अभी आप डाउट में बिल्कुल भी नहीं है ये सर। और जो आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी मैं वीडियो डाला है, मेरा दोस्त बोल रहा है वो उधर ही आएगा। अच्छा, आपके दोस्त आने वाले हैं आपको देख के, मतलब वो भी डाउट में ही थे? ओ सर। तो क्या नाम है आपका? राजेश्वर पोद्दार। राजेश्वर जी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बहुत दूर आए आप, दिल्ली भी जा सकते थे? नहीं सर, यहाँ ही आना था। यही क्यों आए? यूट्यूब पे देख के आया। यूट्यूब पे देख के आए किया आपने? हाँ सर। तो आपका फोन वन टाइम में चालू हुआ, टू टाइम में हुआ, थ्री टाइम में हुआ, कितनी बार? वन टाइम। वन टाइम में ही कैसे पॉसिबल है भाई? वन टाइम में ही किया है सर। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल यहाँ एशिया टेलीकॉम में हो सकता है पॉसिबल। तो यहाँ का जो ट्रिक्स है, नॉलेज है, डेडिकेशन है, ये सब सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, बस बोलने के लिए है? है सर। है। चार दिन के अंदर आपने 4G फोन का सीपीयू निकाल के लगा दिया, ये देखिए देखा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि साथ में आपका थ्योरी भी क्लास चल रहा है, प्रैक्टिकल भी चल रहा है, और आप आईसीपी भी काम कर रहे हैं, स्किल पे भी काम करा रहे हैं हम। हाँ सर।
तो कैसा लगा आपको यहाँ का जो एटमोसफियर है, यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है, एशिया टेलीकॉम में आके सीखना चाहिए, आना चाहिए। पैसा वसूल है? पैसे से ही ज़्यादा वसूल है। लाइफ टाइम? लाइफ टाइम। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट। झारखंड से? तो झारखंड आवाज़ जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँ चार दिन के क्लास की, तो कैसा रहा चार दिन का क्लास? बहुत अच्छी रही सर। चार दिन की कितनी बार में आपसे डन हुआ है? वन टाइम में। वन टाइम। और कितनी बार रिवॉल्विंग डन हुआ आपका? एक बार रिवॉल्विंग। एक बार में, वन टाइम में। जी सर। तो बात करूँ की अभी जो सीपीयू के बगल में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ होता है, कैपेसिटर, रेजिस्टर, थर्मिस्टर, ये सब सारी चीज़ों का चेकिंग पता है? नहीं पता है। जी सर। है सर, पता सर, देव सर को देख के सर, यहाँ उसको देख के आए सर, उसकी वीडियो देख के आया ना, यूट्यूब पे या फेसबुक पे? फेसबुक। फेसबुक से आया? जी सर। तो एक बात बताइए, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, जी तो वो वीडियो गलत था या फिर जो आप रिव्यू दे रहे हैं वो गलत है? रिव्यू गलत नहीं है सर, सही है, जेन्युइन है। आपकी वीडियो देख के आए? वो भी ऐसी टेलीकॉम को ज्वाइन करा है और अपने। पैसा वसूल है कि नहीं है? जी सर, पैसा वसूल है। क्या नाम है आपका? विजय बैरागी सर, इंदौर से हूँ। इंदौर से? हाँ, तो और भी जगह पे क्यों नहीं गए आप? मध्य जबलपुर ही मध्य प्रदेश में क्यों आए? आप दिल्ली जा सकते थे, मुंबई जा सकते थे, सर वहाँ नहीं जाना, गुजरात जा सकते थे। नहीं, एशिया टेलीकॉम ही आना था, मैंने सबका देखा है सर, पर जो यहाँ चीज़ मिल रही है वो कहीं नहीं मिल। तो आप जो चीज़ सोच के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया वो चीज़ आपको मिली कि नहीं मिली? जी 100% मिल रही है सर। 100% मिल रही है। आज आपका कितने दिन का क्लास हुआ सर? तीसरे दिन का। तीसरे दिन की अगर मैं क्लास की बात करूँ तो तीसरे दिन के क्लास में आपने क्या किया? सर मैंने EMC CPU दोनों करके देखा और ये लाइव। आपने CPU EMC दोनों निकाला? जी सर। और लगाया कितनी बार में चालू हुआ फोन? सर एक बार। इसके पहले आप तो IC पे काम करते रहे होंगे? करते रहे थे, बाकी ये ट्रिक नहीं मिली जो यहाँ। नहीं मतलब काम नहीं बनता था? जी वन टाइम फेल हो जाते थे, एक CPU में फेल हो जाते थे EMC, बाकी अभी दोनों करके देख। अभी दोनों देख लिए आपने करके? तो जो ट्रिक्स है यहाँ का, ट्रिक्स कैसा लगा आपको? बहुत बेहतर। बेहतर लगा सर? कोई यहाँ पे ऐसा लगा आपको कि किसी स्टूडेंट ने ना किया हो? नहीं सर, सब ने किया है। सब ने किया है, इसलिए बोलूँगा कि जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बेहिचक कोई टेंशन, बेझिझक आ सकते हैं। और यहाँ की टीम कैसी है? बहुत बेहतर। ऐसा कोई टीचर आपको यहाँ मिला जो डाउनग्रेड हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार चौधरी। कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से आप? जो देव सर का देने वाला नॉलेज है वो बेहतर ही ज़्यादा है, इसलिए हम फेसबुक में देख के यहाँ पर आए। तो आप फेसबुक पर देख के आए? हाँ, तो रिव्यू देख के आए होंगे आप? हाँ, वीडियो। तो वो रिव्यू में, आपके रिव्यू में कुछ अंतर है? यस सर। क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर, क्योंकि हम पहले पहचान नहीं पा रहा था IC कौन सा है। पावर भी निकाल के चालू किया था? हाँ सर। आपने आज CPU निकाला चौथे दिन की क्लास में? हाँ सर। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ कि नहीं हुआ आपका? यस सर। कितने दिनों से आप इस मोबाइल के फील्ड में थे? सर 5 साल हो गया सर। 5 साल से हैं। तो आपने कभी IC पे काम किया था? नहीं सर, नहीं किया। क्या करते थे आप पहले? चार्जिंग कनेक्टर होल्डर चेंज कर देते। और अब यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हैं? हम यहाँ से जाने के बाद अब IC का फुल काम करने वाले, काम करने वाला है। चलिए ठीक है। आपने इसको यूनिवर्सल एक्सटेंशन में बनाया है? हाँ हाँ सर, यूनिवर्सल में बनाया है। हाँ सर। ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको पर्टिकुलर नहीं नहीं सर स्टेंसिल दिया हो? नहीं सर। अभी की अगर मैं बात करूँ तो कितनी बार में आपका CPU डन हुआ है, ईमानदारी से बताइए? सर एक बार रिवल किया, बॉल नहीं बना, दूसरा बार किया तो बन गया था। तो क्या कमी था कि पहली बार में ऑन नहीं हुआ था आपका फोन? सर इसमें एक रजिस्टर निकल गया था, निकल गया था। इसलिए मेरा फोन नहीं चल रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ, डिस्टर्ब हो रहा था सर। अगर उस कंपोनेंट का नॉलेज नहीं होता तो आप उसको रिपेयर कर पाते? नहीं सर। सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा है, क्या काम है? सर ने सारी चीजें आपको बताई होंगी। हां सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ सर। पैसा वसूल है? यस सर। आपको देख के कोई नेपाल से आना चाहे तो उनको क्या बोलेंगे? बेझिझक आ सकते हैं यहाँ पर। आ सकता है। क्या नाम है आपका? अरुण कर्मकार। अरुण जी कहाँ से हैं आप? कोलकाता। कोलकाता से आप इतने दूर आए, आप दिल्ली भी जा सकते थे, दिल्ली क्यों नहीं गए? हमको टेलीकॉम एशिया टेलीकॉम यूट्यूबे जा देखे हमें और प्रति वो भी दीर्घ मैंने क्या बोलो আমি পরিস্থিতি আমি দেখে খুব এক্সপায়ার হয়ে আছে ওই জন্য আমি এখানে এসেছি। তো আবি ও চিজ যে ভিডিও মে আপ দেখে থে ও চিজ আবি আপকো লাইভ মিল রহা হ্যায় কি নহীঁ মিল রহা হ্যায়? হ্যাঁ স্যার। জেসা কি হাম আপ হর মহিনে কে চৌথে দিন কি ভিডিও দেখতে হোঙ্গে, তিসরে দিন কি ভিডিও দেখতে হোঙ্গে, তো হাম তিসরে দিন মে পাওয়ার IC নিকলওয়াতে হ্যায় চালু ফোন সে নিকলওয়া কে আর ফোন কো দুবারা সে চালু ভি করওয়াতে হ্যায় আর চৌথে দিন মে হাম CPU ভি নিকলওয়াতে হ্যায় আর ফোন কো দুবারা সে চালু করওয়াতে হ্যায় তো আজ চৌথা দিন হ্যায় আজ আপকা
तो चौथे दिन में आज का कॉन्सेप्ट ये था आपका कि चालू फ़ोन से 4G CPU निकालना था और दोबारा से लगा के फ़ोन को चालू भी करना था, तो आपने वो चीज़ किया कि नहीं किया? हाँ, हमें कोरलम तो सेट आई। तो क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? देव सर बहुत अच्छा, बहुत मैंने कैसे ऐसे टेलकम है देव सर, यत सुंदर जो पढ़ा यत सुंदर जो लिखा है, मैंने सवार संभव है जो मोबाइल छाड़ूटा। चलिए ठीक है, और यहाँ के टीचर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एक टीचर तो बहुत मैंने पूरा भालो मैंने कि बोलो सब परफेक्ट परफेक्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम चौधरी है। कहाँ से हैं आप? सर मैं MP से ही हूँ, इटारसी से। इटारसी से हैं, बहुत पास से हैं। तो एक बात बताइए कि आज आपका कितने दिन का क्लास हुआ? आज चौथे दिन का। चौथे दिन के क्लास में आपने कल क्या किया था? कल सर अपने पावर IC लाइव मोबाइल से लिखा कल लगाया था जियो का, और सेकंड मेरे पास एक और मोबाइल EMI का था, उसको भी मैंने कल लाइव लगाया। इसका पावर आपने निकाल के दोबारा से लगाया था, तो चालू भी किया था? चालू भी किया सर। चालू था पहले भी, अभी भी चालू है? जी सर। और आज आपका क्या कॉन्सेप्ट था? आज सर 4G हैंडसेट से लाइव मतलब चालू मोबाइल से CPU निकाल कर माउंट रिमाउंट करना था, तो वो भी अभी किया हूँ मैंने, अभी क्लीन करके रखा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आज चौथे दिन का कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि 4G CPU निकलवा के लगवाना होता है और फ़ोन को दोबारा से चालू भी करना होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे पास होते हैं, आपने वीडियो देखा होगा हमारा, लाइव चलता है सारी चीज़ें, और वो यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल सकता है। कैसा लगा आपको? सर कॉन्फिडेंट तो इतना है सर, फर्स्ट टाइम में इसको निकाला, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगा कर उसको ऑन कर दिया सर। तो यहाँ का जो ट्रिक्स है बताने का, समझाने का, कैसा है सर? वो जो ट्रिक्स थे उसी के कॉन्फिडेंस से सर एक बार में हो गया, वन टाइम में हो गया, वन टाइम में हो गया। चलिए ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। देव सर के साथ जो क्लासेस चल रही हैं आप? सर देव सर का तो ऐसा है सर, उनके पास नॉलेज इतना है कि वो इतना दे सकते हैं, आप में इच्छा शक्ति हो रही है आप कितना ले जा सकते हो यहाँ से। सही बात है। तो ओवरऑल क्या बोलेंगे जो आपको देख के SATCOM ज्वाइन करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर और अच्छे ट्रिकों से सीखना है और नॉलेज लेना है सही साथ, तो वो SATCOM ज्वाइन करें। ये है हमारी 28 अगस्त की बैच और हमारा चौथे दिन का क्लास है, और चौथे दिन के क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि चालू फ़ोन से हम लोग इनसे 4G CPU निकलवाते हैं और CPU निकलवा के दोबारा से माउंट रिमाउंट कराने के बाद फ़ोन को चालू करवाते हैं इनसे। और हाँ, जब तक हमारा कंप्लीट पूरे स्टूडेंट का नहीं हो जाता तब तक हम इनको छोड़ते नहीं हैं। तो ओवरऑल चौथे दिन का चलिए कॉन्सेप्ट इनसे पूछते हैं, इनका फ़ोन चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो बताइए आप चौथे दिन में आपने CPU निकाला? हाँ सर। सही बता रहे हैं? कितनी बार में आपका फ़ोन चालू हुआ है? सर दो थर मेरा फ़ोन चालू ही गला, किंतु बहुत बार ट्राई करने के बाद सक्सेस मिला। कितनी बार? सर दो तीन बार। तीन बार, तीन बार में आपको सक्सेस मिला है। तो गलती करने से क्या होता है, आदमी सीखता है। हाँ सर। है? क्या नाम है आपका? सुमित भंडारी। कहाँ से हैं आप? नेपाल बटा। नेपाल से बहुत दूर से आप इंडिया आए, और इंडिया में आने के बाद आप मध्य प्रदेश जबलपुर में आए। आप चाहते तो कई बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, तो पर आपने इसी टेलीकॉम में क्यों चुना? ऐसा है कि वो यहाँ आने से मालूम पड़ेगा उसको, यहाँ एकदम बढ़िया है, यहाँ का टेक्नोलॉजी, देव सर का पढ़ाने का तरीका है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ऊपर से ऊपर है, ऊपर से ऊपर है। तो अभी मैं बात करूँ चार दिन के क्लास का कॉन्सेप्ट में पूछूँ, पहले दिन आप आए थे तो सुबह में 8 बजे क्लास लगी थी आपकी, आपने ICE बॉलिंग सीखा था? यस सर। और दूसरे दिन के क्लास में आपने क्या किया था? दूसरे दिन क्लास में पावर IC। सुबह में आपने, पहले दिन आप आए थे तो EMMC रिवॉल्विंग किया था, दूसरे दिन की सुबह की क्लास में आपने CPU रिवॉल्व किया, और तीसरे दिन के क्लास में आपने चालू फोन से पावर IC निकाल के चालू किया। आपने किया था? चालू हुआ था जी सर। कितनी बार में हुआ था चालू? ये फर्स्ट बार में, फर्स्ट टाइम में ही हो गया था। और आज चौथे दिन की सुबह की क्लास की बात करूँगा तो आज आपको क्या कॉन्सेप्ट था, क्या करना था आपको, क्या किया आपने? आज चालू फोन का CPU निकाल के डाल दिया। कितनी बार में चालू हुआ, ईमानदारी से बताइएगा? एक ही बार में, वन टाइम में ही चालू हो गया। और कितनी बार आपने निकाल के CPU दोबारा से लगाया? दो बार। दो बार, और दोनों बार चालू हो गया वन टाइम में? हाँ दो बार चालू हुआ। चलिए ठीक है, ओवरऑल ऐसा तो नहीं है कि एक बार में तुक्का लग गया हो? नहीं सर नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है, मैं महाराष्ट्र। साहिल जी कहाँ से? अभी आप महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। आप मुंबई में भी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ जबलपुर क्यों आ गए इतनी छोटी सी जगह? सर इधर प्रॉपर नॉलेज मिलता है, यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज है, प्लस यहाँ पे बड़ी टीम है। आपको पर्टिकुलर कोई एक टीचर यहाँ पे पढ़ाए तो आप काम सीख पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। देखिए हर चीज़ के लिए एक यहाँ स्पेशल पर्सन, स्पेशल एक टीचर है। यस सर। तो अभी की अगर मैं बात करूँ आपसे,
कि आज सुबह आपकी क्लास लगी है 11:30 बजे, आज चौथे दिन का क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि चालू फोन से सीपीयू निकालना और सीपीयू दोबारा से लगवाना, और दोबारा फोन को क्या कराना होता है, ऑन करना होता है, ऑन करना होता है। अगर भाई दबे आपसे फोन ऑन नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, फिर से चालू होता है, जितनी बार नहीं होता उतनी बार कराते हैं अगर नहीं। हेलो, मेरा नाम पवित्र गिरी है, मैं ईस्ट बंगाल से आया हूँ ऐसे टेलीकॉम जबलपुर में काम सीखने के लिए मोबाइल का। मैं पहले 6 महीने काम किया था, लेकिन उसमें आईसी का काम कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही आईसी का काम किया हूँ आज। 4G लाइव 4G सेट का, ऑन सेट का सीपीयू निकाल के फिर रिवॉल्व करके फिर लगा के चालू किया। और कल क्या किए थे आपने? कल लाइव पावर आईसी निकाल के फिर रिवॉल्व करके लगा के चालू किया। तो पवित्र, अब मैं बात करूँ कि 6 महीने का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस अगर मैं डिफाइन करने को बोलूँ तो क्या? बहुत डिफरेंट बहुत है। अभी वो 4 महीने में जो नहीं सीखा है 4 दिन में बहुत कुछ सीख लिया है, अभी और भी सीखना चाहता हूँ। अभी और सीखना चाहते हैं, देखिए कभी भी सीखने की जो ख्वाहिश है वो कभी कम नहीं करनी चाहिए, नहीं क्योंकि देखिए जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, उतना स्किल पे अपडेट होना जरूरी है। चलिए ठीक है, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?